मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी को लेकर तंज कसा है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि राहुल गांधी प्रमाणित झूठे हैं, उन्होंने देश का अपमान किया है और सभी से झूठ बोला है। देश की जनता को राहुल गांधी का बहिष्कार कर देना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह बात अंदर से बहुत चुभती है कि कोई नेता जो अपने आप को देशभक्त कहता है और वही नेता देश का अपमान करता है, तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। राहुल गांधी प्रमाणिक झूठे हैं, अपने झूठ के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पहले भी माफी मांगी है, लेकिन माफी मांगने के बाद भी झूठ बोलने से बाज नहीं आते। मध्य प्रदेश में भी उन्होंने झूठ बोला था। उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में 10 दिनों में सभी किसानों का कर्ज माफ होगा, अगर 10 दिन में कर्ज माफ नहीं किया तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल दूंगा। 10 दिन तो क्या, 1.25 साल में राहुल ने कर्ज माफ नहीं किया। देश के लोकतंत्र और पवित्र संसद में झूठा इल्जाम लगाने वाले राहुल गांधी का तो देश को बहिष्कार करना चाहिए। जब कोई देश का नेता अपने आप को कहता है और रोज देश का अपमान करता है, श्री राहुल गांधी प्रमाणिक झूठे हैं। अपने झूठ के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पहले भी माफी मांगी है, लेकिन माफी मांगने के बाद भी झूठ बोलने से बाज नहीं आते, फिर लगातार बोल रहे हैं। उन्होंने मध्यप्रदेश में भी झूठ बोला था। मध्यप्रदेश की जनता याद करे, उन्होंने कहा था 10 दिन में सभी किसानों का कर्जा माफ कर देंगे अगर सरकार बनी तो, और 10 दिन में कर्जा माफ नहीं किया तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल दूंगा। कितना बड़ा झूठ बोला था राहुल गांधी जी। यार अजय, लुक एट योर डैड, हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्यूटी एट रेगुलर इंटरवल्स जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्यूटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्यूटी प्लान्स दे एन्यूटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।